बस्मीम नादरीन एक लंबे वक्फे के बाद दोबारा जो है हम सुनहरी यादों के साथ हाजिर हैं और मैं आपको बता दूं कि बाज़ शख्सियात का ताल्लुक जो है वो उनकी एक तो किस्मत के धनी होते हैं और बाद लोग बहुत मेहनत के बाद किसी मुकाम को पहुंचते हैं तो आज हमारे साथ ऐसी एक शख्सियत जो स्टेट मिनिस्टर हैं दिफाई पैदावार के जनाब सरदार सलीम हैदर साहब उनसे आज बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं सरदार साहब असल वाक़ हम आपको सेवन स्टार प्लस में खुश आहमदेद कहते हैं और ये पूछते हैं कि आपका बचपन कहाँ पे गुज़रा आपने इब्तदाई तालीम कहाँ पे हासिल की बसमन पहले तो मैं सेवन स्टार प्लस का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया और आपको अप्रिशिएट भी करता हूँ कि सेवन स्टार प्लस पूरे मुल्क में भी और ख़ासक हमारे एरिए में बहुत ही अच्छी साफ़त की रवायत जो है वो वहाँ पर क़ायम कर रहा है मेरा बचपन जो है वो डनाल में मैं पैदा हुआ तहसील जंग में और तकरीबन पाँच साल की उम्र में मुझे फिर उस टाइम क्योंकि हमारे वक्त पे जो स्कूल्स थे वो इतने ज़्यादा नहीं थे हमारे एरिए में तो मुझे तलग गांग में एक कॉन्वेंट स्कूल था उसमें मैंने पाँचवीं तक से तालीम हासिल की और उसके बाद फिर सारी जो मेरा टाइम है बचपन का नौजवानी का वो जो है वो पिंडी में गुजरा और मैंने अपनी जो तलीम है वो पिंडी से सर सैद स्कूल से और फिर डिग्री कॉलेज सेटल टाउन से तो आपको सबसे अच्छी जगह कौन सी लगती है अपना गांव लगता है या रावलपिंडी नहीं सबसे अच्छी जगह तो मुझे अपना गांव ही लगता है कि जिस मट्टी में मैं पैदा हुआ और जिस पे पला बड़ा और जो मेरी जाए पैदाइश है मुझे सबसे अच्छी जगह ढुढ़ने लगती है बचपन में आप शरारती बच्चे थे या नहीं मैं शरारती नहीं था बस नॉर्मल था <coughs> ना बहुत ज़्यादा शरारती था और ना बहुत ज़्यादा खामोश अपने दोस्तों के साथ तो ठीक था लेकिन बड़े लोगों में जब बैठता था तो फिर मैं ज़्यादा खामोश था शरारती नहीं था आप बचपन में जो है कौन कौन सी खेलें खेला करते थे आ, मैं बचपन में क्योंकि गांव में ही आना जाना था स्कूल जाते थे हॉस्टल में थे और जब वापस आते थे तो हॉस्टल में वैसे ही बच्चा बड़ा बाउंड सा होता है तो जब खुली फ़िज़ा में आता है तो फिर सारा कुछ उसका करने को दिल चाहता है तो मैं जो गांव के जितने खेल थे बच्चे जो उस वक्त खेलते थे गुली डंडा खेलते थे वो बंटे खेलते बंटे थे, खेलते थे।, थे। आ, और छोटी छोटी गाड़ियाँ जो हैं, वो चलाया करते थे फिर पाँच छः साल से ऊपर हो के फिर उस वक्त इतनी ज्यादा तो नहीं थी लेकिन गाँव में क्रिकेट फिर शुरू हो गई वो खेलते थे तो तमाम जो उस वक्त की जो खेल थे उनमें भरपूर तरीके से बल्कि घर वाले उसके लिए तंग होते थे परेशान होते थे कि सारा दिन जो है उसी में लगे रहे अगर गुल्ली डंडा खेल रहे हैं तो सारा दिन वो खेलते रहे सारा दिन बंटे खेलते रहे सारा दिन क्रिकेट खेलते रहे तो ज़ाहिर तो आपके वालदे ने जो है कोशिश की कि पहले आपको तलेगंग में दाखिल कराया और वो फिर पिंडी में ले आए पढ़ाना चाहते थे आपको गाँव के माहौल से दूर रख के और जाहिर उस वक्त प्राइमरी स्कूल और या ऐसे फैसिलिटीज़ भी नहीं थी तो उस वक्त जो है आपकी जो शरारतें जो हैं स्कूल में या उसमें कैसे हुआ करती थी कौन सी ज़्यादा शरारतों पे कभी सजा मिली हो वालदेन की तरफ से नहीं ऐसी कोई ख़ास तो नहीं थी बचपन में एक दो दफ़ा ये हुआ कि गुली डंडा खेलते हुए क्योंकि वालदेन जो थे वो इस मामले में बड़े सख्त थे आपने मल्ले गांव के हवाले से कि ऐसी हरकत ना हो कि जिसकी वजह से उन्हें कोई शर्मिंदगी हो तो वो खेलती हुई एक दो दफ़ा वो डंडा जो है मेरे हाथ से लग गया किसी बच्चे को सरपट गया दानता नहीं <laughs> गलती थी, से थी। लेकिन उस पर फिर काफ़ी जो है वो वालदेन की तरफ से मुझे डांट और सख्ती हुई बाकी ऐसी कोई हरकत या कोई ऐसी शरारत मैं मुझे नहीं याद कि मैंने कोई की हो जिसकी वजह से वाले को कोई शर्मिंदगी हुई हो या उनकी नाराजगी हुई हुई बस एक आध दफ़ा के अलावा जो है वो ऐसी तो जो है अटैचमेंट आपकी किसके साथ थी वालदा के साथ या वाले साथ? के साथ थी ज़्यादा ज़्यादा बिल्कुल वालदा के साथ थी और अभी तक वालदा के साथ ही है ज़्यादा अटैचमेंट क्या वजह थी वालिद साहब सख्त हैं या नहीं वालिद साहब भी एक हद तक सख्त थे और हैं भी लेकिन वालदा जो है वो छोटी मोटी जो गलतियाँ कोताहियाँ होती हैं उनको हर वाला का इसी तरह होता है और मेरी वालदा का खासकर स्पेशली वो उनको उन पे पर्दा डाल लेती थी उनको छुपा लेती थी तो और उनकी जो वो एक शफकत और प्यार था उसकी वजह से वो वालदा से मेरी ज्यादा, ज्यादा। वालद से ज्यादा वालदा से अट्याज्मेंट थी, अट्याज्मेंट थी। अच्छा लड़कपन के बाद फिर आपकी कॉलेज लाइफ शुरू हुई तो कॉलेज पिंडी में आपने जी पिंडी में

और बस सुबह कॉलेज गया और कॉलेज से वापस आके और फिर साथ ही ट्यूशन पढ़ने जाते थे वहाँ पे और सारा टाइम वो अपना चेक जो है वो मेरे ऊपर रखते थे कि बिल्कुल मुझे दस मिनट भी अगर आपने टाइम से मैं आगे पीछे हो जाऊँ तो वो वाले वालदा से ज़्यादा मामू की जो सख्ती है वो मुझे वहाँ पर बर्दाश्त करनी पड़ती थी, थी लेकिन इसके बावजूद कुदरती तौर पर वो सियासत के जो जरासीम हैं वो थे और मैंने यूनियन के इलेक्शन में भी हिस्सा लिया कॉलेज टाइम पे और सियासत में पूरी तरह मैन था दो तीन साल डिग्री कॉलेज टाउन में मैं जो स्टूडेंट्स यूनियन है उसका इलेक्शन भी लड़ा और जो तंजीमें बनी हुई थी उनमें भी काम करता रहा मुख्तलिफ में अच्छा आपका जो गांव है वो एक सरदारी निज़ाम और जागीरदारा निज़ाम में है बड़ा इन है आज तक भी जो है वहाँ पे वही निज़ाम है तो आपने उस ज़माने में बचपन में भी कोई जदोजहद की थी जागीरदाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ या नहीं असल में यह है कि एक तो ये है कि उस तरह का जो जागीरदाराना निज़ाम है वो नहीं है अब हमारे एरिए में भी ये ज़रूर है ज़मीनें ज़्यादा हैं एक हमारा तबका है जिसमें जिनके पास ज़मीनें हैं ज़्यादा आप तो काफ़ी बेच भी दी हैं एक तो ये है कि बचपन में वालिद साहब जब बैठक पे और यहाँ बैठते थे तो उनकी बातों से एक बात जहन में पड़ी कि वो उन्होंने हमेशा जो मुजहरे तबके के जो गरीब तबके के लोग थे उनकी बात की अपनी बिरादरी से अटका मुझे जो नापसंदीदगी है वो दोनों तबकों में से जो वो ज़ेनी फ्रोनीत है उसके खिलाफ जो है वो उसके खिलाफ़ मैंने हमेशा बात की ज़... और उसके खिलाफ जदोजहद की चाहे वो जागीरदार तबकों में से था अगर कोई ज़्यादा ज़मीनों वाले हैं या तकड़े लोग हैं उनमें से भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो गरीब परवर है जो अपने मुजहरों के साथ ज्यादियाँ नहीं करते और जो अपने छोटे तबके के जो लोग हैं उनको अपने साथ बिठाते हैं गाँव की बातें आपको पता है कि वो चरपाई जो होती है वो असि पंजाबी चे आखने के सरांति बवाने हैं हाँ। जेडे सरांधी बिठाने वाले लोग हैं उन उनके लिए हमेशा इज्जत रही चाहे वो किसी तबके हुए और अगर मुजहरे तबके में भी कई ऐसे लोग हैं कि जिनके पास आप पैसे आ गए हैं लेकिन उनके रवैयों में ये तब्दीली आ गई कि अपने भाइयों के उन्होंने रस्ते बंद करने शुरू कर दिए हैं उनके ज़मीनों पे लड़ना शुरू कर वो अपनी जो जेनी फ्रोनीत है वो बाहर आना शुरू हो गई है तो जिस जगह भी वो जो एक जहनी जो फिरत तो और वो सख्ती है उसके खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाई और जदोजहद किया और उसको नापसंदीदगी की, की निगाह से देखा आप जब जाहिर कॉलेज से फ़ारग हुई होंगे तो उस वक्त एक जहन में होता है कि जी मैं भी एक ज़मींदार घरने से तल्लक है तो उसमें आपने अपने आप को फ्यूडल जाहिर करने के लिए कभी अपने मज़ारों पर या उन पर कभी मतलब आप रोह जमाने की कोशिश की थी नहीं वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वालिद साहब भी शुरू से एक तो वालिद साहब के बचपन में ही जब वो तीन साल के थे तो उनके वालिद फौत हो गए और उनकी जो ज़मीनें थीं आपने क़रीबी जो थे उनके पास थी बड़ी मुश्किल से उन वाल साहब के सर पे कोई हाथ रखने वाला नहीं था और उन्होंने बड़ी मुश्किल सूरतआल में उनकी वालदा ने उन्हें बड़े अपने जो करीबी रिश्तेदार से उनसे बचा के अपने गांव से बैल ले जा के उनको पाला बड़ा किया तो एक मुश्किल जदोजहद के बाद उन्होंने अपनी जो ज़मीनें हैं वो वापस हासिल की तो उनसे मैंने कभी भी ये नहीं ना देखा न सुना कि अपने मुजहरों को कभी उन्होंने कोई सख्ती की हो या किसी के साथ कोई ऐसी की हो तो मेरे जहन में भी एक बात वो बचपन से डली हुई थी तो कभी मैंने उसकी कोशिश नहीं की कि कि किसी पे ये कर सकूं बल्कि हमारे तो गांव के होती हैं कि एक रवाज बना हुआ है कि जो हिस्सेदारी होती है फ़सल की उसमें मुख्तार मुलाजिम जाता है और वो वो एक टिप ठप्पा उसे कहते हैं जो लगा के आता है कि ये इतना होगा और उसके मुताबिक हमारा तो आज तक कभी ना इससे पहले ना अब कि हमारे जो मुजहरे हैं वो यही समझते हैं कि ये हमारी अपनी ज़मीनें हैं कोई उनको पूछने वाला नहीं है जो उनसे बचता है वो हमें दे जाते हैं हम भी उस पर खुश हैं कभी हमने नहीं कहा कि ये हमें थोड़ा दिया है या ज़्यादा दिया है तो कभी ये जेन में ना आया और ना कभी इसकी कोशिश की कि मेरी ये दस पचास सौ या हज़ार कनाल है तो इस पे जो काम करने वाले हैं उन पे मैं अपना रोब जमाने की कोशिश करूँ एक अच्छा उनके साथ रिश्ता है एक बिरादरी वाला ख़ानदान वाला रिश्ता है वो हमारी इज़्ज़त करते हैं हमारी इज़्ज़त में शामिल होते हैं और हमने कभी उन्हें परेशान नहीं किया बल्कि जो मुजहरे तबके के लोग हैं वो अगर हमारी ज़मीनों पर कभी उन्हें को मकान या वो बनाना पड़ता है तो वो बगैर पूछे खुशी से बना लेते हैं कि इन्होंने कौन सा हमें कहना है कि इधर से मकान जो है ख़त्म करो या यहाँ से निकल जाओ तो म, ऐसे ही सिस्टम है कि जैसे उनके अपनी और ज़मीन तो खुदा की है वो देने वाला है वो आपके शौक़ क्या है कॉलेज टाइम से ही सियासत का शौक़ था सियासी शौक़ था और आ, खिदमत का कि गरीब लोगों को जो के जो पिसे हुए तबके हैं उनकी खिदमत की जाए उसके अलावा मैं जो ज़िंदगी में शिकार के हवाले से मैं शिकार का भी काफ़ी शौकीन था मुख्तलिफ मुख्तलफ जो सीज़न का शिकार होता था वो करता था और अब तो खैर नहीं कर सकता टाइम नहीं मिलता इसके अलावा गेम्स का मुझे शौक है कि सर सैद स्कूल में जब मैं था तो मैंने वैसे ही एक दोस्तों के दरमियान गप शप हुई तो हमने वो जो स्कूल टीम के ट्रायल्स होते थे उसमें दिए हॉकी में क्रिकेट में, में और फुटबॉल में वो स्कूल टीम के लिए ट्रायल्स दिए तो तीनों में मैं सेलेक्ट हो गया वो कुदरत की तरफ से ये था कि गेम्स में भी मैं अच्छा खिलाड़ी के तौर पे था चाहे क्रिकेट हाकि फुटबॉल जो भी हो उसमें तो आकी... शिकार की बात हो रही है तो कभी किसी आंखों के तीर भी चलाए हैं कभी <laughs> नहीं मेरा ख्याल है मैं असल में अब तो खैर और टाइम है तो इससे पहले का जो कॉलेज टाइम और वही ज्यादा वैसे खतरनाक टाइम होता है उसमें मैं जो है वो शर्मीली तबीयत का वाक़ हुआ था और काफ़ी कमज़ोर था अंदर से मेरे अच्छा। में इतनी ज़रूरत नहीं थी कि मैं कोई आंखों का तीर चला सकूं। अच्छा। तो खाने में क्या पसंद था उस उन दिनों में और आजकल बस जो मिले खा लेता हूँ कोई ख़ास उसमें ये नहीं है कि ये चीज़ जो है स्पेशल और कभी मैं इधर मामू के घर भी होता था और अपने घर में भी मेरे घर वाले ये कहते हैं कि कभी तो ये कह दिया करो कि ये चीज़ अच्छी नहीं है या ये बहुत अच्छी है इससे आप अंदाजा कर सकते हैं आप कंजूस हैं तारीफ नहीं करता तारीफ भी नहीं करता और ये भी नहीं करता कि ये आज तो बड़ा आपने ठीक नहीं पकाया या अच्छा, अच्छा नहीं जो है जो मिल जाए। जो मिले बस खा लेता तो हूँ और उसमें यह भी है कि एक तो वो इहतम करने का टाइम नहीं मिलता कि मैं 97 से जब पहली दफ़ा जिला कौंसिल का इलेक्शन लड़ा तब से लेकर आज तक उसी स्पीड में हूँ कि सुबह आठ नौ बजे घर से निकलता हूँ और रात बारह एक बजे तक अपना जाती काम कोई नहीं होता लोगों के काम होते हैं हल्के के अब हल्के के काम होते हैं पहले तो सारा ग्यारह साल तक मैं पोजीशन में ही रहा हूँ पहली दफा इकतदार में आया हूँ लेकिन रूटीन में फ़र्क नहीं आया तो उसमें ये इसका टाइम ही नहीं मिलता कि कोई एहतमाम किया जाए कि ये चीज़ पकाएं ये चीज़ दें ये, चीज़ दें, ये अच्छी है ये बुरी है बस ये भी उसका शुक्र है कि ट चलें जब घर जाते हैं तो मिल जाती है या कहीं दोस्त के साथ जाते हैं वहाँ पर खा लेते हैं जो मिल कोई ख़ास उसमें नहीं तो खाना किसका पसंद है मतलब किसके हाथों का खाना बेगम साहबा का या नहीं मत... ख़ास वो हाथों का तो बात नहीं है खाना साथ दोस्त भी होते हैं होटल का खाना मुझे नहीं पसंद घर का खाना पसंद है घर का पसंद है शादी आपकी कब हुई और कैसी शादी अरेंज शादी थी या लव मैरिज शादी मेरी 93 में हुई और अरेंज थी उसमें कोई ऐसा नहीं था मैं गलबन एफए में था तो मुझे वालदे ने आके बताया कि हमने तुम्हारी जो है वो मंगनी कर दी अरेंजमेंट कर दी है तो मुझे तो शाक हुआ मेरे ख्वाबो ख्याल में भी नहीं अच्छा। था <laughs> थोड़ा सा मैंने उसे महीना दो महीने मैंने कहा जी आपने मुझसे पूछा ही नहीं है और मुझे पता ही नहीं आपने ये कर दिया लेकिन घर वालों ने कर दी अरेंज नहीं मतलब आप एहत कर रहे थे कि कि मेरी शादी नहीं मैं इस पे सिर्फ़ रहा था कि मुझे बताया नहीं गया कि तुम्हारा कोई ऐसा प्रोग्राम बन रहा है अमली सियासत में कब आप इन हुए अमली सियासत में मैं जो है वो 97 में जो पहला जिला काउंसिल का इलेक्शन था वो मैंने उसमें लड़ा और जीते जी जीता उस वक्त कौन सी ग्रुप से आपने इलेक्शन उस वक्त ये था कि उस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और मलक लाल खान साहब जो है वो एम एन ए थे पार्लिमानी सेक्रेटरी थे और मलक आसिफ साहब एम पी ए थे वो भी पार्लिमानी सेक्रेटरी थे तो मैंने नाइन्टी सेवन का जो इलेक्शन है उनके खिलाफ लड़ा था वो आज़ाद इलेक्शन था नॉन पार्टी बेसिस पे था लेकिन जो पीपल्स पार्टी के लोग थे वो मेरे साथ थे वो ग्रुप सारा साथ था और मैं उसमें जीता फिर या उसको ये मकामी तौर पे तो पीपल्स पार्टी के लोग साथ थे ज़िले के हमारे सदर थे मलक अता साहब खुंडा जी तो वो खुंडा ग्रुप के हिसाब से एक लड़ा गया था और उसमें ये हुआ कि खुंडा ग्रुप और जो उनके अलाई थे वो अक्सरियत में जीते थे अटक में लेकिन क्योंकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी उन्होंने वो जो चेयरमैन ज़िला कौंसल का इंतबा है उसको रोके रखा और हमारे पैंतीस थे हमारे मुखालिफ चौबीस थे तो फिर एक टाइम ये आया कि हम चौबीस रह गए और वो पैंतीस हो गए लेकिन मैं आखिर टाइम तक उन चौबीस में ही रहा मुझे तमाम तरह आफर भी हुई वाइस चेयरमैन ज़िला कौंसल की ऑफर हुई मुस्लिम लीग नून की तरफ से और मेरी एक बिरदरी भी बनती है नून में उस हवाले से भी मुझे कहा गया कि तुम उधर आ जाओ लेकिन मैं जो है वो अपोजीशन में रहा और वो नाइन्टी सेवन का पहला इलेक्शन अपोज़िशन में और फिर दोस्तों को इतना मरवाया कि ग्यारह साल तक मेरे दोस्त मेरे साथ मार खाते रहे मैं सारा टाइम अपोजिशन में ही रहा क्योंकि पीपल्स पार्टी अकतदार में अब दो टू दो हज़ार आठ में आई है तो मैंने जब से सियासत शुरू की तो अपोजिशन में था और मेरे दोस्त भी अब मुझे ये कहना शुरू हो गए थे कि ये अब हम सिर्फ मरवाने के लिए <laughs> जो है सियासत <laughs> कर रहे हैं क्योंकि क्योंकि बलद्यातीलैक्शन में होता है कि आप अंडर एंड डील करके कोई मकामी ग्रुपों से करके किसी तरह इकतदार में आ सकते हैं लेकिन मैं 97 सेवन से लेकर टू थाउजेंड एट तक सारा टाइम जो है वो अपोजिशन में स्टैंड किया रहा पहले मुस्लिम लीग नून के खिलाफ और फिर परवेज़ मुशरफ और क्यू के खिलाफ अच्छा अपोजिशन में आपने लंबा अरसा ग्यारह साल जो है वो आपने गुजारे तो उसमें आप क्या क्या समझते हैं अपोजिशन अच्छी होती है या इकतदार अच्छा होता है आ... अच्छे के हिसाब से तो मैं ये समझता हूँ कि दोनों अपनी अपनी जगह जो है वो ज़रूरी हैं कोई भी सियासी पार्टी है या कोई भी सियासी शख्सियत है उसके लिए कुछ टाइम के बाद जो है वो इकतदार भी बहुत ज़रूरी होता है कि अब अगर देखें ना कि ग्यारह साल तक मैं अपोजीशन में रहा मुझे अपनी फ़िक्र नहीं थी यकीन करें मैं ग्यारह साल और भी अपोजीशन जो है वो निकाल सकता था अपोजीशन में आपको इस लिहाज से आसानी होती है कि लोगों की इतनी तो नहीं होती कि आप उनके लिए वो सारा कुछ कर सकते हैं सिर्फ आपने उनके साथ खड़ा होना होता है स्टैंड करना होता है लेकिन ये है कि बार बार के इलेक्शन में अगर आप यूनियन कौंसिल का इलेक्शन जीत जाते हैं आगे तहसील में आर जाते हैं या ज़िला में हार जाते हैं या एम पी एम एन ए जीत जाते हैं ऊपर से हुकूमत आपके मुखालिफ होती है तो आप हल्के में तो ज़ीरो रहेंगे आपको कोई डिवेलपमेंट फंड कोई आपके से. काम नहीं होंगे तो किसी भी सियासी शख्सियत को या सियासी पार्टी को कुछ टाइम के बाद जो है वो इकतदार बहुत ज़रूरी होता है और मैं भी ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये ग्यारह साल तक मैं अपोजीशन में रहा उस पाक जात का करम हुआ कि उसने मुझे बहुत बड़ा इकतदार दे दिया इस हवाले से कि पहली बार ही मैं एम एन ए बना और पहली बार ही मिनिस्टर बन गया आ, उस जात पाक की बड़ी स्पेशल मेहरबानी हुई है अगर ये इलेक्शन में हार जाता तो मैं ीति तौर पर समझता हूँ कि कम अज़ कम मेरा सियासी कैरियर जो है वो ख़त्म हो जाता है और मैं भी मैं ख़ुद भी ये कहता हूँ कि दोस्तों को अब इतना ज़्यादा जो है वो मरवाना भी किसी तौर पर मुनासिब नहीं है मैं यहाँ पर यह भी ज़रूर जिक्र करूँगा कि ऐसे लोग भी होते हैं और मुझे यकीन करें अपने से ज़्यादा उन लोगों की फ़िक्र होती थी कि जो 97 से 2008 तक मुझे तो चले गर्ज थी कि मैं एम एन एम पी ए बनूँगा आगे लेकिन जो मेरे साथ लोग लगे हुए थे उनको कोई गर्ज नहीं।, नहीं थी उन्होंने कुछ नहीं बनना था लेकिन उन्होंने एफ आई आ एफ आई आरें मेरे साथ बर्दाश्त की उन्होंने हर जगह अपनी इंसल्ट बर्दाश्त की मेरी वजह से लेकिन उन्होंने स्टैंड किया ग्यारह साल तक कुछ ऐसे मेरे दोस्त हैं बल्कि एटी परसेंट ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे नहीं छोड़ा और उसमें बहुत मुश्किल टाइम भी आया लेकिन उन्होंने साथ स्टैंड किया अब मेरे लिए जो है वो परेशानी इस लिहाज से बढ़ गई है कि उनकी जो तो हैं वो पूरी होनी चाहिए और उसके लिए बंदा अब मैं अगर मिनिस्टर की सीट पर बैठूँ तो शायद देखने वाले तो ये समझ रहे हैं कि सारा कुछ इसके बस में है और ये सारा कुछ कर सकता है लेकिन सारा कुछ करना मेरा ख्याल है वो किसी के बस में भी नहीं होता और बहुत सारी मुश्किल होती हैं जिनमें से निकल कर अपने दोस्तों के लिए कुछ बंदा कर सकता है। अच्छा सियासत की बात है तो आप ये बताइए कि बीबी यानी बेनज़ीर भट्टो साहबा से आपकी कब सबसे पहली मुलाकात कब हुई थी कहाँ हुई थी बीबी से मेरी पहली मुलाकात जो है वो काफ़ी लंबी मुलाकात हुई थी तकरीबन एक घंटे की तो तौर पे बताइए कि बीबी को आप एज लीडर कैसे ऐसी as... बातें थी जो उन तक सही तरह नहीं पहुंची हुई थी जब वो कहती थी कि ये बात ऐसे है तो मैं आगे से ज़िद करता था कि नहीं नहीं ऐसे है तो उसमें होना तो ये चाहिए था कि वो नाराज़ होती हैं लेकिन वो नहीं हुई फिर उसका उन वो कहती कि अच्छा चलें इसका मैंने तो ये किया था फिर नीचे से किसी ने उधर से ये कर दिया होगा और बड़े